झारखंड की धरती भीषण गर्मी से तप रही है। एकाध जिलों को छोड़ पूरा राज्य हीट वेव की चपेट में है। गर्मी इतनी है कि लोग बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। स्थिति यह है कि मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट की जगह अब ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, मतलब हीट वेव की स्थिति गंभीर हो चली है और आगामी 5 दिनों तक पूरे राज्य का तापमान बढ़ेगा। जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि अगले 5 दिनों के दरमियान राजधानी समेत पूरे राज्य के तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की वृद्धि हो सकती है। राजधानी में अब तक का सर्वाधिक 39.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है, जबकि विभागीय पूर्वानुमान में इसके बढ़ने के आसार है। लिहाजा भीषण गर्मी में लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। कभी भी बिना छाता या कपड़ा के बाहर न निकले, बिना पानी के भी घर से बाहर न निकले। बच्चों को दोपहर के 12 बजे से 4 बजे के बीच घर से बाहर न निकलने दें। मसालेदार खाने से परहेज करें। हीटवेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यह स्थिति 1 मई तक राजधानी में बनी रहेगी। गर्मी के कारण रांची की सड़कों पर दोपहर में कम लोगों की आवाजाही देखी गई। जो लोग बाहर थे कपड़े से सिर को ढककर ही निकले। वहीं मौसम विभाग ने भी आम जनों को बाहर निकलने से पूर्व समुचित मात्रा में पेयजल लेने और साफ व स्वच्छ तरल पदार्थ लेने की सलाह दी है। किसानों को भी तपती गर्मी में खेतों का रुख न करने की सलाह दी गई है, अन्यथा हीट स्ट्रोक की चपेट में आ सकते हैं। जारी पूर्वानुमान में बताया गया है कि 28 अप्रैल को राज्य के पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा के अलावा धनबाद, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज में कहीं कहीं हीट वेव का असर देखने को मिलेगा। इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बोकारो, रांची, रामगढ़ और खूंटी जिले में भी हीट वेव का असर देखने को मिलेगा। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में यह स्थिति 1 मई तक देखने को मिलेगी। पिछले 24 घंटे की मौसम की बात करें तो पूरे राज्य का मौसम शुष्क बना रहा। वहीं सरायकेला खरसावा में हीट वेव का सर्वाधिक असर देखा गया। सबसे अधिक अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस सरायकेला खरसावा का, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 22.7 डिग्री गोड्डा का रिकॉर्ड किया गया। वहीं राजधानी रांची में अधिकतम 39.6 डिग्री और न्यूनतम 26.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।